बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। सरकारी मुलाज़मीन के लिए बड़ा रिलीफ, बड़ी स्कीम का ऐलान कर दिया गया। दरख्वास्तें मतलूब हैं, बिला सूद कर्जा स्कीम बराए सूबाई सरकारी मुलाज़मीन खैबर पख्तूनख्वा बराए साल 2024-25। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ख्वाहिशमंद सूबाई सरकारी मुलाज़मीन जो के दर्ज ज़ैल शराइत पर पूरा उतरते हों, मोटर कार, हाउस बिल्डिंग, मोटरसाइकिल और साइकिल के बिला सूद कर्ज़ों की दरख्वास्तों इनके महकमा के तवसत से मतलूब हैं। बिला सूद कर्ज़ा का इजरा ख्वाहिशमंद सूबाई सरकारी मुलाज़मीन के दरमियान पूरा अंदाजी के ज़रिए किया जाएगा। कर्ज़ा की मद मोटर कार BS 17 एंड अबव, कर्ज़ा की हद 2 लाख रुपये, कटौती की माहाना शरा 3,334 रुपये, 60 माहाना एक साथ, मतलूबा शराइत कम अज़ कम सर्विस 5 साल और उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 55 साल। हाउस बिल्डिंग BS 1-17, कर्ज़ा की हद 2,50,000, कटौती के माहाना शरा 2,064 रुपये, 120 माहाना एक साथ, कम अज़ कम सर्विस 10 साल और उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 50 साल। मोटरसाइकिल BS 1-17, कर्ज़ा की हद 80,000 रुपये, माहाना कटौती 1,334 रुपये, 60 माहाना एक साथ, कम अज़ कम सर्विस 5 साल और उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 55 साल। साइकिल BS 1-17, कर्ज़ा की हद 8,000, कटौती की माहाना शरा 2,000 रुपये, 40 माहाना एक साथ, मतलूबा शराइत कोई नहीं। बिला सूद कर्ज़ा की दरख्वास्त ऊपर दर्ज किसी भी एक मद के लिए दी जा सकती है। एक से ज़ायद में दी जाने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। मुतलका DDO इस बात की यकीन दहानी कर लें कि दरख्वास्त गुजार इससे पहले किसी भी दर्ज बाला कर्ज़ा की मद में ना दहिंदा तो नहीं। दरख्वास्त फार्म के साथ DDO का सर्टिफिकेट लगाना लाजमी है। सिविल सेक्रेट्रेट और उसके ज़ैली इदारों के सूबाई सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों की वसूली इंदराज और छांटी बनावलेंट फंड सेक्शन सिविल सेक्रेट्रेट में होगी। तमाम ज़िला के सूबाई सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों की वसूली इंदराज और छांटी मुतलका डिप्टी कमिश्नर करेंगे, जबकि अटैच डिपार्टमेंट के सूबाई सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्तों की वसूली इंदराज और छांटी उनके मुतलका सूबाई दफातर महकमों में होगी। सूबाई बनावलेंट फंड इस ज़िम्न में किसी भी सरकारी मुलाजम से बराह रास्त दरख्वास्त वसूल नहीं करेगा। नामुकम्मल दरख्वास्तों पर गौर नहीं होगा। दरख्वास्त भेजने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2024 है।